वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट टू डिस्कस द टॉपिक द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ स्टेटमेंट द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट विद इन ए पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जो एग्जीक्यूटेबल होगा उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट जस्ट लाइक मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट के अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड एंड वो क्या एक स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट उसे अपन क्या कहेंगे स्टेटमेंट इसके अलावा अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है देन उसे भी अपन यहाँ पे क्या कहेंगे स्टेटमेंट कहेंगे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज एम्प्टी स्टेटमेंट द पास स्टेटमेंट और एम्प्टी स्टेटमेंट ऑफ पाइथन इज डू नथिंग स्टेटमेंट दैट इज एम्प्टी और नल ऑपरेशन स्टेटमेंट कि एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है कि जहां पर अपन कोई भी वर्क नहीं करते कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट इट मीन्स कि अपन ने किया कुछ भी नहीं है जहां पर अपन को ओनली सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट है तो अपन यहां पर क्या यूज करते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट यूज करते हैं और एम्प्टी स्टेटमेंट बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं पास कीवर्ड का यूज करते हैं पास स्टेटमेंट या अपन कह सकते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट या फिर अपन कह सकते हैं नल ऑपरेशन स्टेटमेंट इज यूजफुल इन दोज इंस्टांस वेयर द सिंटेक्स ऑफ ए लैंग्वेज रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए स्टेटमेंट कि जहां पे सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है कोई ना कोई स्टेटमेंट हो बट वेयर द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट कि वहां पे कोई भी लॉजिक ना हो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है सिंपल स्टेटमेंट सिंपल मीन्स कोई भी सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है उसे अपन यहां पे क्या कहेंगे सिंपल स्टेटमेंट एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल इज ए सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन सिंपल स्टेटमेंट क्या है कोई भी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा उसे अपन यहाँ पे क्या कहेंगे सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल अपन ने ले रखा है नेम इज इक्वल टू इनपुट योर नेम इट मीन्स यहाँ पर एक इनपुट मैथड है वो क्या करेगा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उसको किस में डाल देगा नेम वेरिएबल के अंदर डाल देगा तो ये क्या एक सिंगल स्टेटमेंट है इसके अलावा अपन बात करें अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल स्टेटमेंट इज प्रिंट नेम अगर मैंने नेम को प्रिंट किया देन वही भी क्या है यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट ए कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज ए यूनिट इट मीन्स कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जहां पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है और वो एज ए यूनिट है एग्जीक्यूट होता है इट मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने भी होंगे वो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे या फिर नहीं होंगे और जहां पे भी कोई कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वहां पे इंडेंटेशन होता है इंडेंटेशन मीन्स कि आपको फ्री स्पेस यहां पे रिक्वायर होता है देखिए कैसे सिंटेक्स अपन को दे रखा है कि अपन यहाँ पे कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट हेडिंग डाल रखी है या अपन कह सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट डाल रखा है तो उसके नीचे क्या होगा बॉडी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट होगा जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये जो स्पेस है वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक एरो का साइन यहाँ पे बनाया है ये जो स्पेस आपको क्या मिल रहा है एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है और इसके बाद में जो भी आपका क्या होगा बॉडी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने भी होंगे वो सारे एग्जीक्यूट एक साथ होंगे या फिर नहीं होंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकता है तो ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट इन पाइथन हैज ए हेडर एंडिंग विद द कॉलन एंड ए बॉडी कंटेनिंग ए सिक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एट द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन इट मीन्स कि कंपाउंड स्टेटमेंट है वहां पर आपको जब भी अपन कोई भी हेडिंग लिखेंगे उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा एक कॉलन साइन आपको यहाँ पे लगाना होगा साथ ही साथ ए बॉडी कंटेनिंग ए सिक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बॉडी जो है वो एक सिक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कंटेन करती है जिनका इंडेंटेशन सेम लेवल का होता है इट मीन्स कि जो स्पेस यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में मिलेगा वही आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में मिलेगा वही आपको थर्ड स्टेटमेंट के अंदर मिलेगा इट मीन्स इनका इंडेंटेशन लेवल है वो क्या होगा सेम होगा नेक्स्ट आता है वो आता है स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल कि जब भी कोई स्टेटमेंट पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट होता है रन होता है तो उसका फ्लो कैसे चलता है तो देखिए अपन कहते हैं ये प्रोग्राम स्टेटमेंट में भी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंटली सेलेक्टिवली और आइटरेटिवली कि जो आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा या तो वो सिक्वेंसली होगा या फिर सेलेक्टिवली होगा या फिर आइटरेटिवली होगा कैसे देखते हैं
First is sequence. A sequence construct means the statement are being executed sequentially. कि सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट क्या कहता है कि आपके जो स्टेटमेंट है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे, सिक्वेंटली होंगे. जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है कि सबसे पहले स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट होगा, और देन अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इट मींस वन बाय वन आपके स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होते हैं देन वो क्या होगा, आपका यहाँ पे सिक्वेंस कंस्ट्रक्ट होगा या फिर सिक्वेंस फ्लो कंट्रोल होगा. नेक्स्ट आता है, वो आता है आपका सेलेक्शन. The selection construct means the execution of a statement or statements depending upon a condition test. कि जो selection construct ये कहता है कि जो आपका statement का execution होगा वो किस पे depend करेगा, condition के ऊपर depend करेगा. It means अगर कोई condition true होगी then तो क्या होगा, statement या set of statement execute होंगे, otherwise another कोई set of statement है वो execute होंगे. तो देखिए द सेलेक्शन कंस्ट्रक्ट क्या कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करता है, अपॉन ए कंडीशन टेस्ट. इफ ए कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू द कोर्स ऑफ एक्शन और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलो, अदरवाइज अनोदर कोर्स ऑफ एक्शन, या अपन कह सकते हैं कि डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलो. इट मीन्स या तो एक साथ जो स्टेटमेंट है वो चलेंगे या दूसरे जो एक साथ स्टेटमेंट है वो चलेंगे. देखिए अपन इसको अपने डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है. अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे स्टेटमेंट है या नंबर ऑफ स्टेटमेंट है जितने भी होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन, ठीक है. इसके अलावा अगर अपन बात करें, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये वन भी हो सकता है, मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकता है, ये सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे. इट मीन्स कंडीशन ट्रू हुई तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और नेक्स्ट क्या होगा, आपका प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा. तो ये आपका क्या, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, या फिर अपन कह सकते हैं सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल. नेक्स्ट इज आइट्रेशन. आइट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट. तो देखिए आइट्रेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, द आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट मीन्स द रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन टेस्ट. कि कंडीशन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स तक. द आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लूपिंग कंस्ट्रक्ट. आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट को अपन क्या कहते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट में आपको बताया, इसे अपन क्या कहते हैं, लूपिंग कंस्ट्रक्ट कहते हैं. द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप. कि जो स्टेटमेंट आपके बार बार रन होंगे जिसे कंडीशन के अकॉर्डिंग या कंडीशन के ऊपर बेस्ड होंगे पर बार बार रन होंगे, उसे अपन यहां पे क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ द लूप कहेंगे. द कंडीशन ऑन विच द एग्जीक्यूशन और एग्जिट ऑफ द लूप डिपेंड इज कॉल्ड एग्जिट कंडीशन और टेस्ट कंडीशन. जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे या आपका लूप है वो एग्जिट होगा या कंप्लीट होगा या अपन कह सकते हैं टर्मिनेट होगा, उसे अपन यहां पे क्या कहेंगे, कंडीशन टेस्ट कहेंगे, या पर अपन उसको क्या कहेंगे, कंडीशन कहेंगे. इट मीन्स कि जिस कंडीशन के ऊपर आपके स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसे अपन कंडीशन टेस्ट कहते हैं, और जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे बार बार उसे अपन कहेंगे बॉडी ऑफ द लूप. तो देखिए अपने सामने एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे अपन को दे रखा है कंडीशन. अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है इट मीन्स आपका यहाँ पे स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, देन क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जा रहा है, अगेन किसके पास जा रहा है, कंडीशन के पास जा रहा है. अगेन कंडीशन ट्रू होगी तो अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है. देन अगेन क्या होगा, अगेन आपका कंट्रोल किसके पास जाएगा, अगेन आपके कंडीशन के पास जाएगा. कंडीशन अगेन ट्रू होती है देन क्या होगा, अगेन आपके स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे. इट मीन्स कि जब अपन को कोई भी स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो अपन क्या यूज करते हैं, आइट्रेशन फ्लो कंट्रोल यूज करते हैं, फिर अपन आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है इट मीन्स आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि आपका लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा. तो ये अपना क्या, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. थ्री टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट अपने पास होते हैं, जिसमें क्या है, सिक्वेंस, नेक्स्ट इज सिलेक्शन, और थर्ड इज आइट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल्स. अब इसमें सबसे पहले अपन को दे रखा है, वो दे रखा है एल्गोरिथम. An algorithm is a step-by-step procedure to solve a given problem.
कि किसी भी गिवन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो अपने पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर एल्गोरिथम कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होंगे। जस्ट लाइक अपन ने कोई भी पाइथन प्रोग्राम किया है उसको अपन अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, एक सिक्वेंशियल सॉल्यूशन उसका करते हैं, देन उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल कि इनपुट फर्स्ट नंबर एक नंबर अपन ने इनपुट किया है, तो जैसे मैंने लिखा एज इक्वल टू 10, देन इसको मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ इनपुट फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट लिखा मैंने इनपुट सेकेंड नंबर, देन डिवाइड फर्स्ट नंबर विद सेकेंड नंबर, एक को दूसरे के साथ डिवाइड किया एंड देन एंड स्टोर द रिमाइंडर एज थर्ड नंबर, जो रिमाइंडर है वो थर्ड नंबर के अंदर अपन स्टोर कर रहे हैं, देन डिस्प्ले द रिजल्ट। इट मीन्स आपने ये कोई प्रोग्राम बनाया कि ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, देन आपने क्या किया है ए डिवाइड बाई 2, देन उसके बाद में जो भी रिमाइंडर आता है वो किस में डाला आपने, सी में डाला है, और देन सी को अपन ने प्रिंट किया है। तो वही वर्क अगर अपन स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, या अपन कह सकते हैं एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन या वेल डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम, या अपन कह सकते हैं सिक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इन स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आता है वो आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मीन्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। इट मीन्स कि आपने जो जो एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स लिखी है उनको अगर मैं पिक्टोरियली शो करता हूँ या अपन कह सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसे अपन क्या कहेंगे फ्लो चार्ट कहेंगे। देखिए कैसे, सपोज अगर अपने पास एक प्रोग्राम है जो अपन ने इवन मोड का प्रोग्राम पहले किया था, उसी को अपन उसका अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो देखिए कैसे फ्लो चार्ट बनता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए अपन को अलग अलग टाइप के बॉक्सेस यहाँ पे या अलग अलग टाइप की सेप काम में लेनी होती है। अगर अपन प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करते हैं तो अपन को ये सेप चाहिए, अगर अपन को कोई डॉक्यूमेंट लिखना है देन ये चाहिए, अगर आपको डेटा जो इंसर्ट करना है देन ये चाहिए, अगर आपको प्रोसेस या सब प्रोसेस दिखानी है तो ये आपको चाहिए, और डिसीजन बनाना इट मीन्स कोई कंडीशन लगानी है तो आपको ये सेप चाहिए। इट मीन्स अलग अलग सेप्स के थ्रू अपन क्या करेंगे अपना फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट के लिए ऑल सेप अपने पास है। स्टार्ट किया देन अपन ने नंबर इनपुट किया। नंबर इनपुट करने के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं कि अपन ने ये सेप बताई थी कि डेटा इंसर्ट करने के लिए अपन ये सेप करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इनपुट नंबर ये सेप है यहाँ पे इंसर्ट कर रखी। देन कंडीशन के लिए अपने पास ये सेप है जो आप देख पा रहे हैं, डिसीजन या अपन कह सकते हैं कंडीशन, कंडीशन के लिए अपने पास ये सेप है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है, इफ नंबर रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल जीरो, इट मीन्स कोई भी नंबर हो उसको रिमाइंडर करे किससे टू से, देन अगर वो जीरो आता है या इक्वल इक्वल जीरो होता है देन यस यस है, तो ये आपका ये स्टेटमेंट क्या होगा एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने ही प्रोग्राम को किसके थ्रू बताया है, फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए अपन ये वाला अपना जो सेप है वो काम में लेते हैं, और इनपुट आउटपुट के लिए अपन ये वाला सेप है वो काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और देन अपन ने क्या किया एंड किया है। तो ये अपना क्या है फ्लो चार्ट है कि आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, नंबर इंसर्ट किया, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किए, कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा। इट मीन्स इवन नंबर आ जाएगा या फिर ऑड नंबर आ जाएगा, और लास्ट में क्या होगा आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये अपना फ्लो चार्ट की इट मीन्स कि आप अपने प्रोग्राम को अगर पिक्टोरियली शो करते हो देन उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट। थैंक यू।